स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुडेज व्यू पर। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे सीरीज में अभी हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 190 किलोमीटर की दूरी पर, और यहां पर आप देख सकते हैं ओवरपास की तैयारी यहां पर चलती हुई। ओवरपास पूरी तरह से बन गया है, रोड के ऊपर जो है उसे कनेक्ट करने का काम यहाँ पर दोनों तरफ से जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में आरी वॉल का काम यहाँ पर चालू है और आरी वॉल के जरिए इसे कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि इस लोकेशन पर फ्रेंड्स जो रास्ता है वो पहाड़ी काट कर बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो साइड एरिया है उसकी हाइट ज़्यादा है रोड की हाइट से, ये आप देख सकते हैं। और दोनों साइड में रोड पूरी तरह से बन चुकी है, क्रैश बैरियर लगा दिए गए हैं, लेन मार्किंग कर दिया गया है, सिर्फ अब ट्रैफिक चालू होने की। और इस दिशा में आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जूम करके बताने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं दूर तक आपको सड़क यहाँ से दिखाई देती होगी, तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की रोड यहाँ से पूरी तरह से दिखाई देती है। और यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगा है उस पर लिखा है वनोजा 16 किलोमीटर, औरंगाबाद 189 और मुंबई 575 किलोमीटर, तो काफ़ी दूर तक रोड यहाँ से दिखाई देती है। दोनों ओर से रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस साइड भी और इस साइड में भी, और काफ़ी अच्छा काम इस कंपनी ने किया है। पैकेज 4 जो है पूरी तरह से अंतिम दौर में पहुंच चुका है काम। इस लोकेशन की बात की जाए तो यहां पर काम 1 महीने से ज़्यादा बचा भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और एक खास बात हमने इस पैकेज में देखी है फ्रेंड्स, ये जो आप लेन मार्किंग देख रहे हैं साइड वाली, इसमें इन्होंने कुछ ब्रेकर लगाए हैं छोटे छोटे, ताकि अगर कोई व्हीकल लेन से बाहर आता है तो ड्राइवर को जल्दी से अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ी लेन से बाहर जा रही है, तो उस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की है। और पूरी तरह से रोड बनकर तैयार हो चुकी है, क्रैश बैरियर भी बना दिए गए हैं। तो चलिए अब इस लोकेशन से आगे चलते हैं, और काफ़ी अच्छा काम किया है पैकेज 4 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कुछ काम चल रहा है, जो भी ज़्यादा मिट्टी रोड की साइड में पड़ी हुई है उसे उठाने का काम यहाँ पर जारी है। तो अब हमें इंतज़ार है 2022 का, अब इसे 2022 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जिसकी फाइनल डेट अभी तो नहीं आई है लेकिन जल्दी आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस लोकेशन से आगे चलते हैं। हम आ चुके हैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट से 192 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर एक खूबसूरत तालाब लगा है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा वायडक्ट बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और काफी बड़ा वायडक्ट यहाँ पर बनाया गया है, तकरीबन 10 से 12 पिलर के ऊपर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। फिलहाल तो पानी के फ्लो को बंद किया गया है, जैसे ही यहाँ इस लोकेशन का काम पूरा हो जाएगा पानी का फ्लो चालू कर दिया जाएगा। दोनों तरफ में लेन मार्किंग कर दिया गया है, और जो क्रैश बैरियर है उसे पेंटिंग का काम यहाँ पर चलता हुआ आप देखेंगे। यहाँ पर जो भी स्टाफ है वो पेंटिंग के काम में लगा हुआ है। और इस ब्रिज के ऊपर इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन लिखी जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2020 जनवरी महीने में इसे बना दिया गया था। तो अब सिर्फ देरी है रोड के शुरू होने की। इस दिशा में आप देखेंगे दूर तक आपको रोड बनी हुई दिखाई देगी, और इस दिशा में भी रोड पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन थी देखने लायक, इसीलिए हमने ये दिखाई आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप आजू बाजू पहाड़ियाँ जो पूरी तरह से हरी भरी हो गई है, और काफ़ी
खूबसूरत नज़ारा है, ठंड का मौसम है। तो चलिए अब चलते हैं इस लोकेशन से आगे। अगले साल ये खूबसूरत नज़ारे जो है वो सिर्फ हमें गाड़ियों से ही देखने को मिलेंगे। कहीं पर भी स्टैंडिंग की परमिशन है नहीं, वैसे बोर्ड भी लगाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे पर, तो बेवजह कोई नहीं रुक सकता है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई हादसा होता है, तो ही आपको इस रोड पर रुकने की इजाज़त है। ₹194 किलोमीटर की दूरी की लोकेशन पर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर तक आपको रोड दिखाई देती होगी, पूरी तरह से बनकर तैयार है रोड। और यहाँ हमें लगा है एक साइन बोर्ड, ये आप देख सकते हैं, कारंजा लाड 20 किलोमीटर, मूर्तिजापुर 41 और नागपुर 220 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। और इस लोकेशन से काफ़ी दूर तक रोड दिखाई देती है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है, बिल्कुल एक एयर स्ट्रिप की तरह, जिस तरह अभी प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया प्लेन के लैंडिंग के ज़रिए, कुछ उसी तरह की प्लेन लैंडिंग यहाँ पर भी हो सकती है। यह आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है समृद्धि एक्सप्रेसवे को। और इस लोकेशन पर दोनों साइड से पहाड़ियाँ थी जिसे काटकर यहाँ पर रोड बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से पहाड़ी, और काफ़ी हेवी यहाँ पर क्रॉक हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस दिशा में जो ओवरपास आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो गांव है, राइट साइड में किनखेड़ और लेफ्ट साइड में मांडवा, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये ओवरपास दिया गया है, वो भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है, इसीलिए अभी हमें कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इस कंपनी का काम पैकेज 4 पूरी तरह से अंत में आ चुका है, ऐसा कह लीजिए कि 98% काम इस कंपनी ने कर दिया है और बचा कुचा जो काम है वो 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से हो जाएगा। तो न्यू ईयर स्टार्टिंग में या फिर जनवरी के महीने में यहाँ पर रोड की शुरुआत की जा सकती है इस पैकेज 4 में। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अभी हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 195 किलोमीटर की दूरी पर, और यहां पर एक बहुत ही बड़ा वायडक्ट बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 15 से 18 पिलर का ये वायडक्ट है जो काफ़ी बड़ा है। और क्योंकि इस लोकेशन पर अनइवन लैंड है, कुछ जगह पहाड़ियां है और कुछ जगह काफ़ी डीप है, तो उसी लेवल को मैच करने के लिए यहाँ पर ये वायडक्ट बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, और इस लोकेशन पर दोनों तरफ से काम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, रोड का काम पूरी तरह से, ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और दोनों साइड में, इस साइड में भी देखेंगे तो आपको ओवरपास दिखाई देगा और इस अपोजिट साइड में भी आपको ओवरपास दिखाई देगा। तो क्योंकि यहाँ पर आसपास दो चार छोटे छोटे गांव हैं, उन्हीं के बीच कनेक्टिविटी बनी रहे, इसीलिए ओवरपास बनाया गया है। तो एक्सप्रेसवे के साथ साथ इन छोटे छोटे रास्तों का भी ख्याल रखना पड़ता है।
और यहाँ से देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और आगे हमें टर्निंग मिलने वाला है, तो राइट साइड में रोड आपको टर्न होती हुई दिखाई देगी। और पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ से तकरीबन 3.5 से 3 किलोमीटर की दूरी की रोड आपको दिखाई देंगी। तो अगर वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमें कोई आर्थिक सहायता आप देना चाहे, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप हमें देना चाहे, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। काफ़ी दूर आना पड़ता है, लेकिन हम हमारे फ्रेंड्स के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं लोकेशन से आगे। पूरी तरह से दोनों साइड से रोड बनी हुई है अभी, इसीलिए जिस लोकेशन को देखने लायक होते हैं उसी लोकेशन को हम आपको दिखाएंगे। अभी हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 202 किलोमीटर की दूरी पर, और यहां पर दिया गया है कि पेडेस्ट्रियन रोड पास। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बना हुआ है। और यहां पर देखिए हमें क्या देखने को मिला है, जिनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। दोनों साइड में कंपाउंड वॉल भी लगा दिए गए हैं, क्रैश बैरियर भी लगा दिए हैं। फिर भी ये ऐसे व्हीकल्स हैं जो कहीं से भी चले आते हैं, ये आप देख सकते हैं। और कितना भी वाइड रोड हो, इस तरह से रोकने में सक्षम है ये। हालांकि अभी रोड चालू नहीं हुई है, लेकिन बाद में अगर ये रोड पर आते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शायद रोड देखने के लिए ही आए हैं। काफ़ी सारी गाय भैंसे और बकरियां हैं इसमें। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से रोड राइट साइड में टर्न होने जा रही है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और पीछे की साइड में भी दोनों ओर से रोड बन चुकी है। मीडियन का काम भी पूरी तरह से कर लिया गया है, नाली भी बना दी गई है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने कोई फ्यूचर में प्लान किया है एक्सप्रेसवे से सफ़र करने का, तो गाड़ी की जो टायर की हालत है उसे अच्छा रखिए, क्योंकि पूरी तरह से रोड कंक्रीट का होने की वजह से टायर गर्म होकर फटने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो टायर प्रेशर बराबर रखिए और स्पीड को कंट्रोल कीजिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा 120 की स्पीड लिमिट रखी गई है। इसका डिज़ाइन तो 150 के हिसाब से किया गया है, लेकिन 120 की जो स्पीड है वो मैक्सिमम रखी गई है, उसका पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए और अपने सफ़र को सुहाना कीजिए। यही है हम आपसे कहना चाहेंगे। लोकेशन से चलते हैं आगे की ओर।